हम देखेंगे कि जो मटेरियल होती है उसको हम कैसे हॉपर में लोड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा प्लास्टिक मटेरियल है, इसको हम मिक्स करके और इसमें फिल कर देते हैं। पूरे जो आपका कवर दिखाई दे रहा है इसमें हम फिल कर दिए, जो प्लास्टिक का जो ये मटेरियल होता है, दाने होते हैं, उसको फिल कर दिए। फिर उसको हम क्या करते हैं, इस जो हमारा सक करने वाला होता है जो प्लास्टिक मटेरियल को, उसको ऑन कर देते हैं, जिसके द्वारा हमारा ये प्लास्टिक मटेरियल को ऊपर लेके जाता है और वो जो हॉपर दिखाई दे रहा है उसमें मिक्स करता है। और मिक्स करने के बाद हम हमारा इस टैंक जो होती है उस टैंक में फिल कर देता है। और फिल करने के बाद इधर जो हमारी पाइप होती है, वो पाइप लगी रहती हैं, जो हम आपको दिखाई दे रहे हैं, वीडियो में दिखा दे रहे हैं। ये जो हमारी पाइप है, ये मशीनों की तरफ भेजने वाला पाइप है, जिसके द्वारा सभी मशीनों में हम प्लास्टिक मटेरियल को भेजते हैं, जिसके द्वारा हमारा कंपोनेंट, देखिए जैसे कि हमारा मोटर चालू हो गया, जो मोटर दिखाई दे रहा है वो मोटर चालू हो गया और हमारा ये प्लास्टिक मटेरियल है वो सक करेगा। देखिए ये इधर से सक कर रहा और सक करके उधर से वो मिक्स करता है और सभी मशीनों में जो होता है उधर से लाइन बाई लाइन वो भेजता रहता है।